टेस्टी है ना, बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी मज़ेदार हुआ है। शाम के नाश्ते पे खाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो ये फुल वीडियो देखते रहिए, ओल कच्चू का चॉप बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखे हैं दिया है वो सब देखने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओल कच्चू का चॉप बनाना, कम ऑन। देखिए गाइस ओल कच्चू बनाने के लिए आपको पहला तो ओल, उसको ओल को आप छील करके इस तरह से कुकर में 3 सीटी लगा लीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा। उसके साथ आपको कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, चावल का आटा, नमक, ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिला करके आपका ओल का चोखा बनाना पड़ेगा। और ये सब किस तरह से मुझे मिलना, कैसे मिलाना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसे डालते हैं थोड़ा सा, ये ओल का जो चोखा है ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, पानी के बिना ही इसे इस तरह से इसको टाइट पैटर्न इसका बहुत अच्छा सुंदर से चोखा बनाना है इसको। और नमक तो आपको पता ही है, स्वाद अनुसार आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा, और अच्छी तरह से इसे मिलाइए। इस तरह से फ्रेंड्स चोखा को आपको गोल गोल करके आलू का चॉप जैसे बनाते हैं, मुझे इसी तरह से इसे बनाना है। तो मैं उसे इस तरह से पतले 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 लेयर में मैंने उसे गोल गोल बना लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको ओल का जो चोखा था मैंने इस तरह से बना लिया है मैंने इसे। अब इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने आगे का प्रोसेस जो होता है मुझे जो तो इसी का मुझे भाजना है, बड़ा बनाना है। तो अंडे के साथ मैं एक अंडा ले रहा हूँ, आप क्वांटिटी के हिसाब से देख करके आप एक का दो अंडा भी कर सकते, 3 भी कर सकते, ये आपके ऊपर चॉइस पे है। और थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं काली मिर्च का पाउडर दूँगा, और मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँ। उसके बाद इस तरह से फ्रेंड्स अंडे में, अंडे का जो मैंने घोल बनाया है उस घोल में डिपिंग करके ब्रेड क्रम्ब के में डुबा करके इसे अच्छी तरह से
एकदम अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिलाइएगा। दोबारा इसमें अच्छी तरह से इसे दोबारा एक बार और करने के बाद इसी तरह से सभी जितने भी हैं उन सबको आपको इसी तरह से बना बना करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पहला पैटर्न से मैंने आज चॉप मैंने बना लिया है। अब इस चॉप को मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगा मिनिमम 1-2 आवर्स, एक से दो घंटे के लिए मैं रख देता हूँ। कच्चू का चॉप बनाने के लिए जो मैंने अभी पैटर्न बना के रखा था, 2 घंटा मैंने फ्रिज में रखा है। अब 2 घंटे बाद मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है। अब मैं इसे फ्राई करने जा रहा हूँ। ये छोटा सा जो देख रहे हैं ये टेस्ट के लिए है कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। लगभग तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप जब भी चॉप फ्राई करेंगे आँच को मीडियम में रखिएगा ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके। अगर बहुत तेज आँच रहेगा तो चॉप जल सकता है। धीमी आँच में डीप फ्राई करने से ये काफ़ी अच्छा तरीके से बनता है। अब देख रहे हैं गाइस, मेरा तेल लगभग गर्म हो चुका है और धीमी धीमी इसमें ये धीमे धीमे आंच को इसे फ्राई करना है। अब देखिए आस्ते आस्ते स्मेल काफी प्यारा स्मेल आ रहा है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि मैं जब चॉप भाज रहा हूँ तो इसमें झाग हो रहा है। झाग आने का कारण सिर्फ एक ही है कि मैंने इसमें अंडा जो दिया हुआ है, अंडे का जो पैटर्न बनाया था मैंने, उसकी वजह से इसमें झाग आ रहा है। तो ये नॉर्मल है। इसे हल्का फ्राई करके फ्रेंड्स आप रख लीजिएगा और जब आपको खाना होगा तब एक बार दोबारा आप इसे फ्राई करके खाइएगा। इसे आप गरम गरम खा सकेंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू व्यूअर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियोस का जी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी आप व्यूज़ हो रहा है लेकिन लाइक कीजिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को वीडियो बनाने का उत्साह जो होता है वो थोड़ा सा कम जा रहा है। बट कम जा रहा है ये नहीं बोलेंगे, मेहनत करने के लिए हम लोग ऑलवेज रेडी हैं और कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिल तक पहुंच सके, आपके रसोई घर तक पहुंच सके। और हम बहुत सिंपल तरीके से मेथड से हम लोग बनाते हैं कुकिंग। अगर आपको देखकर अच्छा लगता है और अगर आप दोनों हम दोनों को देखकर के आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपको कौन से नया वीडियो देखना भी क्यों नया कोई रेसिपी देखना है तो आप मुझे ये बता दीजिए ताकि मैं उस रेसिपी में आप लोगों के सामने लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।